अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें ये खुशी अता की, और उसके बाद सबसे जो इसमें अहम रोल रहा वो आम लोगों का, हमारे वर्करों का, चाहे कोई जिस लेवल से भी था। मेरे ख्याल में आज हमारी बहनों ने, हमारी माओं ने, उन्होंने भी अपने लेवल से अपना काम किया, और जो आज हमें ये अल्लाह ने ये कामयाबी दी, तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये अल्लाह के फजल और करम से ये हमारे लिए खुश आइंदा होगी, हमारी तरक्की के लिए ठीक रहेगी। हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल है, चाहे रोड का मसाइल है, चाहे ये पानी के मसाइल है, चाहे बाकी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आपके सामने गिन नहीं सकता हूँ, लेकिन अल्लाह का फजल है और अल्लाह का करम एहसान से उम्मीद है कि वो हम मामला हल होंगे, और जो उम्मीद है लोगों की है तो इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से अपने लोगों का बहुत शुक्रिया करता हूँ। मैं उनसे एक गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ कोई अपोजिशन थी, जो भी थे, चाहे जिस पार्टी से भी थे, वो भी हमारे ही भाई है, हमें उनको मिलजुल के, उनको साथ में मिला के हमें आगे चलना है। सियासत सिर्फ ख्यालतों की लड़ाई होती है, ये कोई जाती लड़ाई नहीं होती है, इसमें कोई जात पात की बात नहीं होती है, इसमें कोई ऊंचा नीचे की बात नहीं होती, अमीरी गरीबी की बात नहीं होती है, इसमें सिर्फ ये ख्यालतों की लड़ाई होती है। मेरे ख्याल में मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो किया, दूसरे को जो अच्छा लगा उसने वो किया, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हुआ तो हमारे जो भी इख्तलाफात थे, जो भी मामला थे, या कुछ भी इल्ज़ाम जो भी थे, चाहे कहीं सच्चे थे कहीं झूठे थे, वो सब खत्म हो जाते हैं। आइंदे के लिए एक अच्छी कौम की यही अलामत होती है कि वो मिलजुल के काम करते हैं, और आगे के लिए जो इलाके के लिए के लेवल से, अपने गाँव के लेवल से, या डिस्ट्रिक्ट के लेवल से भी अगर हम मान लेंगे, उसके लेवल से जो हमारे लिए ठीक होगा, हमें उसके लिए। मैं आपको एक सच्ची बात बता दूंगा, मैं जब हम कल इलेक्शन बूथ में थे, जिस वक्त काउंटिंग बूथ से हम निकले, तो जश्न का माहौल था, लोग बहुत जोग दर जोग निकले थे, औरतें निकली थी, बहनें हमारी निकली थी, तो बच्चे निकले थे, तो हर घर से मेरे ख्याल में पूरे जितने भी घरों में थे वो सब बाहर निकले थे, तो जश्न का माहौल था। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक अजीब सी बात मुझे फयाज साहब से, जो उसके साथ मुझे आपस में मशवरा हुआ, तो चलते चलते एक साइड से जश्न का माहौल था, दूसरी साइड से मुझे फयाज साहब ये बोल रहे थे, रियाज साहब अब हम किस तरीके से ऐसे करेंगे कि हम ये रोड देखेंगे, कहाँ से हमारे रोडों की जरूरत है, कहाँ हमें पानी की जरूरत है, उनके लिए हम क्या क्या करेंगे। हालांकि एक जश्न के माहौल में इंसान को ये जहन में नहीं रहता है कि मुझे क्या आगे करना है, तो मैंने ये समझ लिया कि ज्यों ही इसकी जीत का ऐलान हुआ, जीत के ऐलान के साथ ही उसके दिमाग में ये आया कि मुझे जो काम करना है वो किस तरीके से मैं करूं। मेरे लिए जब इस एक आदमी को वो शुरू से ही इस काम के लिए ये जहन में रखे कि मुझे काम करने हैं, तो वो इंशाल्लाह, हमारी दुआएं भी उसके साथ है, तो हमारे साथ भी उसके साथ है, इंशाल्लाह उसके शाना बशाना हम उसके पीछे खड़े हैं, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो काम करेंगे। देखिए, जहाँ तक आपने जो बातें की, जो हमें मसाइल है, ये मसाइल सिर्फ हमें कलारूस में ही नहीं है, यह हमें हाईहमर साइड में भी है, यह हमें ओवरा साइड में भी है, ये मसाइल तकरीबन हमारे मुश्तरका एक ही जैसे हैं, क्योंकि काम बहुत है, एक ही दम में नहीं होगा, हम कहेंगे कि नहीं जी दो दिन में या दस दिन में या एक महीने में होगा, क्योंकि लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, और हम उम्मीद कर लेते हैं कि अगले साल जब हम, जिस वक्त 5 साल के बाद हम लोगों के पास जाए, जिससे हमें आज हमें जो मेहनत करनी पड़े, हमें उम्मीद है हमें उस वक्त ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने लोगों के लिए जो उनके काम होंगे वो जब किए होंगे तो वो हमारा साथ भी दे देंगे। देखो, जो बाकी पार्टियों के बाप आपने बात की, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये ख्यालात की लड़ाई होती है, ये कोई जाती लड़ाई नहीं होती है, हमें हर किसी को एक चीज मान के चलना है कि हमें डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को आगे लेना है, हमें हाईहमा को आगे लेना है, हमें कलारूस एरिया को आगे लेना है, हमें ओवरा को आगे लेना है।